ये देखो दोस्तों, ये सब्जी बनाते हैं, शाम की सब्जी है। इसमें ये मसाला जो है तैयार हो गया है। इधर इसमें हमने जो है थोड़ा ये मटर रखा हुआ है। अब इसमें हम ये मटर जो है डाल देते हैं। इस मटर को थोड़ा फ्राई करते हैं। तक इस मटर को फ्राई करते रहेंगे थोड़ी देर तक। इस मटर को हम इधर ये जो है हरा धनिया जो है काट के रखा हुआ है। इधर अभी गोभी है, इसमें ये गाजर है, इसमें जो है इधर अदरक है और लहसुन जो है, लहसुन जो है इसमें पेस्ट बना करके रखा हुआ है। इधर जो है ये हरी मिर्च जो है काट के रखी हुई है। तो अभी हम जो है थोड़ा इसको फ्राई करेंगे, तब आगे बताते हैं आपको। और अब ये जो है ये मटर इसमें जो है मसाले के साथ जो है खूब घुल मिल गया है, फ्राई हो गया है। अब हम इसमें जो है गाजर और गोभी डाल देते हैं और इसको हम जो है अब चलाते रहेंगे। अभी इसको थोड़ी देर तक हम खूब फ्राई करेंगे इसको। इसमें अब इसमें हम ये हरी कटी हुई मिर्च डाल देते हैं। इसमें हरी मिर्च डाल दिए हमने कटी हुई, और इसको अभी हम चलाते रहेंगे थोड़ी देर तक। दोस्तों ये सब्जी जो है तैयार हो गई है, मिक्स सब्जी है। अब इसमें हम जो है ये जो हमने हरा धनिया जो काट रखा है इसको भी हम जो है इसमें डाल देंगे। और इस तरह से जो है ये सब्जी जो है हमारी मिक्स सब्जी जो है तैयार हो गई है। इसमें हम जो है अगर पनीर होता तो पनीर भी डाल सकते थे, पर पनीर है नहीं इस समय। और इसके बाद जो है इस भोजन को जो है इसमें जो है शुद्ध जो है गाय का जो है 2 चम्मच घी पड़ेगा, और फिर इसका जो है स्वाद जो है दही साथ में होगा। और इसमें घी जब पड़ जाएगा तो इसके साथ आप आराम से जो है 6-7 रोटी खा सकते हैं। ध्यान रखें कि सब्जी जो है गैस की बचत के चक्कर में जो है कभी भी गैस पर न बनाएं, क्योंकि गैस पर बनाने से सब्जी उस पर गैस पर रख करके जब जो है कुकर में बनाते हैं तो उस सब्जी का जो है सब जो है स्वाद जो है खराब हो जाता है। ये सब्जी ज़्यादा गलनी भी नहीं चाहिए। ये गोभी है या मटर है, गाजर है जो इसमें, ये हल्का जो है हाफ बॉयल करके ही इसको रखना चाहिए, इसको पूरा गलाना नहीं चाहिए। तो इस तरह से ये सब्जी तैयार हो गई है। दूसरे दिन के लिए किसी दूसरी सब्जी की जो है रेसिपी आपको बताते हैं।